नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटियाओं। माई सेल्फ जेवियन डॉक्टर एस बुंदेला, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी, जयपुर राजस्थान। प्रोग्राम बीए बीएड फर्स्ट सेमेस्टर। कोर्स एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सेशन इज हायरार्की, फर्स्ट मीनिंग एंड करैक्टरिस्टिक्स। स्टूडेंट्स, लेट्स सी फर्स्ट मीनिंग ऑफ हायरार्की। एज एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हायरार्की हैज़ बीन इम्प्रेस्ड बाय ऑल द क्लासिक थिंकर्स लाइक वेबर, फ्योल, उर्विक, मुने एंड रेली। द टर्म हायर हायरार्की और हायरार्की और हायरार्की लिटरेरी मीन्स हायर टू लोअर। इट रेफर्स टू एंड ऑर्गेनाइजेशन मेड इन पिरामिड स्टाइल इन विच द सक्सेसिव स्टेजेस आर कनेक्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डेफिनेशंस फर्स्ट एल डिवाइड्स फ्रॉम द हायरार्की इन्वॉल्व्स यूनिवर्सली एनफोर्सिंग द सुपीरियर सबॉर्डिनेट relationship through all levels of responsibilities from top to bottom of the structure. And second definition, millet. Hierarchy is a system in which the efforts of many different individuals are grouped. Characteristics of hierarchy system. Next, characteristics of hierarchy system is main point. Let's see characteristics. First is the hierarchical organization is pyramid shaped, in which each person has a unique identity. It is a systematic organization in hierarchical form. Second, at the head of the organization is the head of the department or the topmost officer, the center of supreme power of the same. Third is, the organization is divided into different units on the basis of work. And fourth is, the allocation of responsibility in the organization is done on the basis of the efficiency of the functions. And fifth, power, order, control and responsibilities in the organization go through each level. The transmission of power, order and control is from top to bottom, while the flow of responsibility is from low to high level. And six, the rule of unity of command, the order, is followed. Every officers receive orders from a higher officer than himself and it responsible for the same. The topmost officer does not have an assignment, as the rights and obligations are distributed at different levels. And next, all the units of the organization are interconnected and integrated. And last is, coordination remains in
different units of the organization. This session prepared 2.0 digital version, Jyoti Vidyapeeth Women's University. If you have any query, please mention comment box. I will try for solve it. Thanks students. अब हम बात करते हैं इसी सेशन को हिंदी में, जो हमारे हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए. पद सोपान का अर्थ, सबसे पहले हम बात करते हैं पद सोपान है क्या. इस सेशन में सबसे पहली बात है पद सोपान, इसमें अर्थ और हम विशेषताओं की बात करेंगे. प्रशासन के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में हायरार्की को वेबर, फ्योल, गुलिक, उर्विक, मुनी और रेली जैसे सभी विचारकों द्वारा जोर दिया गया है. मीन्स इन लोगों ने इनको सपोर्ट किया है, समर्थन किया है. उच्च पद सोपान, ठीक है, या पदानुक्रम, इसका शाब्दिक अर्थ है उच्च से निम्न, ठीक है, उच्चतर से निम्नतर या उच्च से निम्न, ठीक है, हायर टू लोअर. यह पिरामिड शैली में बने एक संगठन को संदर्भित करता है जिसमें क्रमिक चरण ऊपर से नीचे तक जुड़े रहते हैं. मतलब एक ऐसा पिरामिड जिसमें ऊपर से नीचे तक जो अधिकारी हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी ऑफिस है, थाने का कोई ऑफिस है, उसमें 3 स्टार इंस्पेक्टर सबसे ऊपर होता है, उसके बाद 2 स्टार, ठीक है, सब इंस्पेक्टर उसके नीचे होता है, फिर 1 स्टार उसके नीचे होता है. तो ऐसे करके तो ऊपर तो एक होगा, बाकी नीचे जैसे जैसे आएंगे अधिकारियों की संख्या बढ़ती जाएगी और उनकी जो शेप है, आकृति कैसी हो जाएगी, पिरामिड टाइप की. अब देखिए जो 2 डेफिनेशन परिभाषाएं दी हैं उसमें सबसे पहले एलडी वाइट, पदानुक्रम में सार्वभौमिक अधीनस्थ संबंधों को संरचना के ऊपर से नीचे तक जिम्मेदारियों के सभी स्तरों के माध्यम से लागू करना शामिल है. नेक्स्ट अगली एक डेफिनेशन और भी आई है जिसमें दूसरी में क्या बताया गया है कि पदानुक्रम एक प्रणाली है जिसमें कई अलग अलग व्यक्तियों के प्रयासों को एक साथ जोड़ा जाता है. अब हम बात कर रहे हैं पद सोपान प्रणाली की विशेषताएं, ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हायरार्की सिस्टम की. देखिए पद सोपानीय संगठन पिरामिड के आकार का होता है पहली बात, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की एक विशेष पहचान होती है, ठीक है, और ये श्रेणीबद्ध रूप से व्यवस्थित होता है ना, सिस्टमेटिक होता है, सबसे ऊपर एक, फिर नीचे नीचे ऐसे करके बढ़ते जाएंगे और वो सब एक सिस्टम बना रहता है. दूसरा, संगठन के शीर्ष पर विभागाध्यक्ष या शीर्ष अधिकारी होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया थाने में 3 स्टार वो सबसे ऊपर होते हैं और उसके नीचे अलग होते हैं. सर्वोच्च सत्ता का केंद्र वही होता है, वही डिसीजन लेता है उच्च अधिकारी. तीसरा, संगठन को कार्य के आधार पर विभिन्न इकाइयों में विभक्त किया जाता है, ठीक है, तो संगठन में सबको अलग काम मिलते हैं, अपना अपना काम करते हैं. इसके बाद में अगला है, संगठन में उत्तरदायित्व का बंटवारा अधिकारियों की कार्य कुशलता के आधार पर किया जाता है, जिसमें जितनी वर्क एफिशिएंसी है, कार्य कुशलता है, उनको उसी हिसाब से काम मिलता है. अगला, संगठन में सत्ता, आदेश, नियंत्रण और उत्तरदायित्व एक एक स्तर से गुजरते हैं, 1 by 1 ऑर्डर टॉप से, ठीक है, उसके नीचे जो उसका नीचे का अधिकारी है सबॉर्डिनेट उसके पास, फिर उसके नीचे के सबॉर्डिनेट या निम्न अधिकारी के पास, ऐसे करके ऊपर से नीचे तक, ठीक है. इंस्पेक्टर के पास आया 3 स्टार के पास, उसने आदेश दिया सब इंस्पेक्टर को 2 स्टार को, उसके बाद उसने 1 स्टार को, है ना, दिया, ऐसे करके वो आपके आदेश आते रहते हैं. और नियंत्रण हमेशा कौन करता है, कंट्रोल कौन करता है, बड़ा अधिकारी, ठीक है, और उत्तरदायित्व, ये सब अलग अलग इनके लेवल बने रहते हैं. सत्ता, आदेश और नियंत्रण का संचरण ऊपर से नीचे की ओर ही होता है, ठीक है, ऊपर ज़्यादा सत्ता, ऊपर से आदेश आएंगे तो ऊपर से नीचे की ओर होता है. नेक्स्ट है, आदेश की एकता के नियम का पालन किया जाता है, प्रत्येक अधिकारी अपने से उच्च अधिकारी से आदेश प्राप्त करता है और उसी के प्रति उत्तरदायी होता है. अगला, शीर्षस्थ अधिकारी के पास कार्यभार नहीं होता है, जो टॉप ऑफिसर है ऊपर का जो अधिकारी है उसके पास में ज़्यादा कार्यभार नहीं होता है, ज़्यादा
बर्डन नहीं होता वर्क का, क्योंकि अधिकारों व दायित्वों का वितरण वो अलग अलग सबको बांट देता है, डिवाइड कर देता है सभी को अलग अलग। इसके बाद में संगठन की सभी इकाइयाँ परस्पर और एकीकृत होती हैं। तो संगठन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सभी जो जो यूनिट्स हैं वो कहीं ना कहीं आपस में कोरिलेट होती हैं, आपस में जुड़ी रहती हैं, ठीक है, एक दूसरे से मिलकर काम करती है। अगला है संगठन की विभिन्न इकाइयों में समन्वय बना रहता है। जितनी जो भी आपके इकाई है संगठन, ठीक है, उसमें जो जो अलग अलग इकाई हैं वो सब आपस में मिलकर काम करती हैं, इसलिए वहाँ पर समन्वय या कोऑर्डिनेशन बना रहता है। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद। ये जो सेशन है वो 2.0 डिजिटल वर्जन ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय के द्वारा तैयार किया गया है। अगर आप मेरे इस सेशन से खुश हुए हैं तो ज़रूर आप कमेंट कीजिए, और अगर कोई आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं इसे हल करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।